गुलरिया थाना क्षेत्र के जंगल अयोध्या प्रसाद के सियारामपुर गांव के भाजपा के बूथ अध्यक्ष हीरालाल चौहान के 25 वर्षीय बेटे राणा चौहान की हत्या कर दी गई। शव गांव से करीब 2 किलोमीटर दूर कुटहन खास गांव के सोनबरसा टोले के पास वन विभाग के बागीचे फार्म में शुक्रवार की सुबह मिला शव के पास ही खून लगा एक डंडा पड़ा मिला। राणा चौहान की बाइक उसके शव पर गिरी पड़ी थी। आशंका जताई जा रही है कि सिर पर डंडे से प्रहार कर हत्या की गई होगी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने फोरेंसिक टीम की मदद से साक्ष्य जुटाकर मामले की जांच में जुट गई है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजने के साथ ही पुलिस ने पिता की तहरीर पर गांव के रवीश कुमार व रामाज्ञा और कुटहन खास निवासी राकेश यादव के खिलाफ हत्या का केस दर्ज किया है। पिता के अनुसार बेटे का तीनों आरोपियों से किसी बात को लेकर विवाद हुआ था। पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है। आपको बता दें, राणा चौहान हैदराबाद में पेंट पॉलिश का काम करता था। लॉकडाउन में वह घर आ गया था। गुरुवार की सुबह वह घर से निकला लेकिन शाम तक घर नहीं पहुंचा। शुक्रवार की सुबह गांव से करीब 2 किलोमीटर दूर कुटहन खास के सोनबरसा टोला के समीप स्थित वन विभाग के बागीचे में उसका शव पाया गया। घास काटने पहुंची एक महिला ने करीब 9:15 बजे शव देखकर इसकी जानकारी बगीचे की रखवाली करने वाले व्यक्ति को दी। उसने पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची गुलरिया पुलिस ने अधिकारियों को सूचना दी। फॉरेंसिक टीम ने घटना की जांच की और साक्ष्य जुटाए। शव के ऊपर ही बाइक गिरी हुई थी। सिर पर पीछे की तरफ चोट के निशान मिले। पास ही खून लगा एक लकड़ी का डंडा भी मिला। पुलिस ने उसे कब्जे में ले लिया है। घटनास्थल पर पहुंचे राणा के पिता ने गांव के ही राकेश समेत 3 युवकों पर हत्या का आरोप लगाया है। मौके पर पहुंचे SP क्राइम अशोक कुमार वर्मा, SP नॉर्थ अरविंद कुमार पांडे, CO चौरी चौरा कपिल देव मिश्र ने मामले की जांच शुरू कर दी है। इस संबंध में SP नॉर्थ अरविंद पांडे ने बताया कि पिता की तहरीर पर 3 युवकों पर केस दर्ज कर तलाश की जा रही है। उन्होंने बताया कि राणा शराब पीने का आदि था। 1 सप्ताह पूर्व कुछ लोगों से शराब पीने को लेकर उसका विवाद भी हुआ था। सभी मामलों को ध्यान में रखते हुए जांच की जा रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मामला स्पष्ट हो पाएगा। राणा के पिता हीरालाल चौहान के मुताबिक 10 दिन पूर्व शराब पीने की बात को लेकर 3 युवकों से उसका विवाद हुआ था। पिता का आरोप है कि उक्त लोगों ने ही उनके बेटे की जान ली है। उन्होंने पहले जान से मारने की धमकी भी दी थी। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए SP नॉर्थ अरविंद पांडे ने कहा, ये राणा बेलदार नाम का एक युवक था। इसकी डेड बॉडी जो है कुटहन खास गांव के सोनबरसा टोला के सिवान में जो है मिली है। सिर के पिछले हिस्से में इसके चोट थी और इसके परिजनों द्वारा जो है कुछ व्यक्तियों को संदेह में नामित करते हुए तहरीर दी गई है। इस विषय में मुकदमा दर्ज कर विधिक कार्रवाई की जा रही है। सर, हत्या है या फिर क्या है, पता चल रहा है? देखिए, पोस्टमार्टम रिपोर्ट और उसके बाद विवेचना आगे बढ़ेगी तो जो है ये क्लियर होगा। इसे प्रथम दृष्टया जो है ये स्पष्ट हो रहा है कि इसकी हत्या की गई है। कोई रंजिश भी निकल के सामने आई है? अभी इस विषय में जो है कोई जानकारी नहीं हुई। विवेचना के क्रम में अवगत कराएंगे आपको। इस मामले में मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है? तहरीर जो है मिल गई है, मुकदमा पंजीकृत किया गया है।